आज हमारा लोहा मार्केट का एक वफद लाहौर चैम्बर आया है। मैं दाद दूंगा प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख साहब को, आज एक ताजिर को, एक कारोबारी फर्द को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में इन्होंने जो सेटअप बनाया, ये क्वाइट अमेजिंग था मेरे लिए। हर फैसिलिटी अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट डेस्क अवेलेबल है। आज मैं और पहले मैं एक बहुत बड़ा फर्क देख के हमारी पूरी मार्केट के लोग बड़े हैरान और शुशदर रहे, जिसके लिए सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे प्रेसिडेंट जनाब इरफान इकबाल शेख साहब हैं। 15 से 16 महकमे जो है ना एक जगह आप मिल जाते हैं। आपका कोई एक्साइज का मामला हो, आपका टैक्सेशन का मामला हो, आपका FBR का प्रॉब्लम हो, आपका पुलिस का कोई प्रॉब्लम हो, फर्म रजिस्टर करवानी हो, अपने IPO करवाना हो, सारे यहाँ पे मौजूद हैं और ये फौरी तौर पे आपको रिलीफ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। राजा वसीम हसन, नायब सदर लोहा मार्केट। आज हमारा लोहा मार्केट का एक वफद लाहौर चैम्बर आया है। हमने पहले भी रूटीन में हमारा विज़िट होता रहता है। आज मैं और पहले मैं एक बहुत बड़ा फ़र्क देख के हमारी पूरी मार्केट के लोग बड़े हैरान और शुशदर रह गए, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे प्रेसिडेंट जनाब इरफान इकबाल शेख साहब हैं। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे बेसमेंट में जाके हमने जो हालात देखे हैं, एक ही छत के नीचे तमाम तर फैसिलिटीज़ को इकट्ठा करना, अपने वो वादे जो इलेक्शन से पहले उन्होंने किए थे उनको पूरा करके दिखाना, ये सिर्फ इरफान इकबाल शेख साहब ही कर सकते थे, और एक बड़ा तारीखी टेन्योर उन्होंने यहाँ पे अपना गुजारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजा आदिल लोहा मार्केट लाहौर के सदर के तौर पे आज अपने डेलीगेशन के साथ मैंने लाहौर चैम्बर का विज़िट किया है, और मैं दाद दूंगा प्याफ और ख़ुसूसन जो प्रेसिडेंट हैं हमारे इरफान इकबाल शेख साहब को, कि उन्होंने जो जो वादे किए थे मार्केट्स में ताजरों के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, वो आज तमाम के तमाम पूरे हो गए हैं। आज एक ताजर को, एक कारोबारी फ़र्द को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी मुआशरती ज़रूरियात की जो सरकारी खिदमात है उनके लिए। वो सीधा लाहौर चैम्बर आए, उसका नादरा का मसला है, उसका पासपोर्ट का मामला है, उसका किसी सरकारी लेस्को का प्रॉब्लम है, वो सब यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन जो हैं वो स्टार्ट हो गए हुए हैं। पुलिस का अवामी खिदमत सेंटर बन चुका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा अराउंड 2-3 ईयर्स बाद का विज़िट था। जब मैं अगेन आया, फर्स्ट फ्लोर पे तो अक्सर विज़िट रहता था, जो ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में इन्होंने जो सेटअप बनाया, ये क्वाइट अमेजिंग था मेरे लिए, कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं, लाइक जितने भी रिक्वायरमेंट है बिज़नेस कम्युनिटी को, जितने भी सेक्शन हैं, लाइक उन्होंने टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है, नादरा से कोई काम है, कोई बैंक अकाउंट ओपनिंग करवानी है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट डेस्क अवेलेबल है, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काफ़ी फेवरेबल है, कि उनका टाइम सेविंग होगी, वो अपनी डिफरेंट चीज़ों को उस तरह से मैनेज कर पाएंगे, उनको डिफरेंट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो भी उन्हें देखी हैं, वो लाइक दैट इज़ वेरी गुड, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी को के लिए सूटेबल हैं। एक दो सालों में चैम्बर ने इतनी तरक्की की है, और तकरीबन बिज़नेस कम्युनिटी के रिलेटेड जितने भी महकमे हैं सारे एक जगह पे गैदर कर दिए हैं, और अब आपको मतलब कहीं भी और किसी डिपार्टमेंट में जाने की, धक्के खाने की या जलीलो ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपना मेंबर होने के नाते आप चैम्बर में तशरीफ़ लाएँ, और अंडर वन रूफ आपको मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम अज़ कम 15 से 16 महकमे जो है ना एक जगह आप मिल जाते हैं। आपका कोई एक्साइज का मामला हो, आपका टैक्सेशन का मामला हो, आपका FBR का प्रॉब्लम हो, आपका पुलिस का कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई अपनी फर्म रजिस्टर करवानी हो, अपने IPO करवाना हो, और इससे रिलेटेड और भी जो महकमे हैं जो कि संतो तजारत के साथ मुतलका हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये फौरी तौर पे आपको रिलीफ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि हमें जो भी मसाइल पेश आते हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे पासपोर्ट का शुरू हो गया हुआ है, लाइसेंसिंग शुरू हो गई हुई है,
तो मतलब एक मतलब बहुत बड़ा स्टेप है जो कि मतलब इस तक कई सालों से देखने में कभी नहीं आया।